अभी नहीं अभी नहीं एक मिनट रुकिए सर नमस्ते, मैं माधव भंडारी, महाराष्ट्र बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता। आपके जरिए सभी फिल्म के चाहते चाहने वाले लोगों को और महाराष्ट्र की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। ये जो आज ककेरा फिल्म का शुभारंभ हुआ है, यह एक अच्छा विषय लेकर अपने सामने आ रही है। जो कचरा जमा करने वाले बच्चे हैं, जिनको कहीं स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन उनकी मंशा होती है स्कूल में जाने की, जब वो देखते हैं कि अपने आसपास के अपने ही उम्र के बच्चे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उनको भी जरूर लगता होगा कि भाई मुझे भी स्कूल में जाना चाहिए, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ये एक योजना लाई थी, मैं स्कूल जाऊँगा, हम स्कूल जाएंगे, और उसके साथ ही समाज के सारे तबकों के जो बच्चे हैं जिनको स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता है, उनको स्कूल से जोड़ने के लिए, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू किए गए। आज मुझे पूरा विश्वास है कि शुभांशु जी ये जो फिल्म बना रहे हैं, जिसमें उनकी स्टोरी अपनी है, जिसका दिग्दर्शन खुद कर रहे हैं, तो इस फिल्म के जरिए ये उपेक्षित वर्ग जो है उसके सारे प्रश्न सामने आएंगे, उनकी आकांक्षाएं सामने आएगी, और साथ साथ प्रश्नों और अपेक्षाओं के साथ ही, आकांक्षाओं के साथ ही उसका जो उपाय होना चाहिए, उसके लिए जो मदद करनी चाहिए, उसमें ये फिल्म बिल्कुल कारगर साबित होगी। मुझे इस फिल्म में विश्वास है। मैं इस फिल्म के सभी फिल्म से जुड़े हुए सभी लोगों को, शुभांशु के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा शुभकामनाएं मैं देता हूं। धन्यवाद। भंडारी साहब, बात करें कि बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही है, स्वच्छ भारत या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजना है कि उनको मदद, जो भी प्रकार की मदद की जरूरत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी क्या? बिल्कुल, हम आगे आएंगे। सरकार के जरिए जो कुछ मदद हम इन्हें दे सकते हैं, एक तो टैक्सेस में कुछ न कुछ कंसेशंस दे सकते हैं, तो जिस ढंग से मदद दे सकते हैं, वो सारी मदद बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार देगी। आखिरी सवाल चलते चलते सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ महाराष्ट्र में है और यहाँ की जनता का थोड़ा कहते हैं कि सर से गंगा बह चुकी है, काफी परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का दोनों भरत मिलाप जनता को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे वो भरत मिलाप पे? भाई, जो राम और भरत है तो भरत मिलाप तो होगा ही, और ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 30 सालों से एक साथ रही है। हमने कई सारे अच्छे दिन देखे हैं, कई बुरे दिन देखे हैं, कई मुश्किलों का सामना किया है, तो अच्छे बुरे दिनों के हम साथी हैं। बीच में मान लो कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फिर भी एक साथ हम आ गए और आगे हम साथ ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल भंडारी साहब, बिहार में अभी अभी इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आया है, कल की बात है, वहाँ थोड़ी सीटें अपेक्षाओं के अनुसार सीटें कम है, क्या कहना चाहिए इसको, ये मानते हैं आप? नहीं, हम ऐसा है कि बिहार में अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आए, ये तो वास्तविकता है। उसके कारण जो है वो पार्टी के फोरम पर उसका जिक्र किया जाएगा, उसका संशोधन किया जाएगा, और जो कुछ उसमें
कारण होंगे वो दुरुस्त करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन एक बात जाहिर है, हम सब जानते हैं कि राजनीति में जीतना हारना ये चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी देखी है, हार भी देखी है और करारी हार देखी है। करारी हार से उठकर हम ऊपर आए हैं। तो जब हार होती है तो हार किस वजह से हुई, इसके कारण हम ढूंढ निकालते हैं और उसको दुरुस्त करते हैं। बिहार के बारे में भी वही होगा। सुभाषु जी, मेरा सवाल आपसे है, भंडारी साहब यहाँ पे आए, आपके कैसा लग रहा है, क्या कहना? सर, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सर जो हैं वो मतलब चीफ स्पोक पर्सन है महाराष्ट्र के, एक तरह से मतलब महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं सर, और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गवर्नमेंट है, चल रही है, सर का आशीर्वाद मिला हमें और बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, जो आपका सवाल था, क्या होता है कि जब आदमी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो कहीं कहीं चुनौतियां तो आती हैं, तभी तो मज़ा आता है। जब तक चुनौती नहीं आएगी तो मज़ा कैसे आएगा? सब अगर अच्छा आराम से ही होता रहा, सब मिलता गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सुभाषु जी, कहानी के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें जी, क्या कहानी की, किस प्रकार की कहानी? देखिए, ये कहानी है उन गरीब और परेशान बच्चों की जो चौल में रहते हैं, जो दूर से सिर्फ नज़ारा देखते हैं, अच्छे कपड़े स्त्री जो पहन करके बच्चे घूम रहे हैं अपने साथ, कि वो अच्छे स्कूल लेकर के बैग लेकर के जा रहे हैं, स्कूल का बॉटल उन्होंने कभी नहीं देखा, स्कूल के जूते नहीं देखे, स्कूल के मोजे नहीं देखे, वो मांगे हुए कपड़ों को लेकर के चलते हैं। मेरी फिल्म जो हमारी फिल्म जो हमने लिखी है, इसमें हम उन अनाथ बच्चों को दिखाया है जिनको कभी स्कूल अंदर से देखा ही नहीं होगा। वो इस कोशिश में है कि एक दिन वो स्कूल जाएँ और पढ़ाई करें। वो बेचारे अपनी दो वक्त की रोटी जोड़ने में ही लगे रह जाते हैं और वो उस गुल्लक को भरने में रह जाते हैं कि इस गुल्लक के पैसे से हम एक दिन ज़रूर फीस भरेंगे अपने स्कूल की। लेकिन उनके सामने हमने दिखाया कैसी कैसी चुनौतियाँ आती गई, कैसे कैसे वो फंसते गए और किस तरह से वो गुल्लक वो कभी भर नहीं पाता था। और अचानक भगवान एक ऐसा उनको चमत्कार आता है और होता है, और किस तरह से वो बच्चे फाइनली स्कूल के अंदर पहुँचते हैं, इसकी कहानी कहकर। और जी बात करें चुनौती की, तो जैसे अभी आपने कहा, कहते हैं कि जवाबदारी का बोझ जब कंधे पर पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है, और आप डायरेक्टर हो तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने इस फिल्म सर? बहुत बड़ी चुनौती है ये। और 15 साल पहले जब मैं बॉम्बे आया तो मैं बॉम्बे शहर जानता भी नहीं था और ना ही कोई मेरा पहचान में था यहाँ। तो आज आप लोग के आशीर्वाद से और सभी बड़े जितने भी हैं उनके आशीर्वाद से आज एक पहला कदम हम बढ़ा रहे हैं। और ये जो जर्नी रही है 15 साल की, इसमें कभी मैं हार नहीं मानी, गिरा हूँ कई बार, लेकिन फिर कोशिश की कि नहीं, एक दिन नया सुबह उगेगा, नया सूरज उगेगा, नई सुबह आएगी। तो वैसे ही फिल्म है ये हमारी कि ये बच्चे हार नहीं माने, इनकी भी एक नया सूरज उगा इनके लिए और ये फाइनली स्कूल गए। वैसे ही हमारी जर्नी है जी, चुनौतियों से भरी हुई है। वैसे भी अटल जी का एक कविता बहुत फेमस है, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं खानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भंडारी साहब, दीपावली है, कुछ शुभकामनाएं दें हमारे दर्शकों को। तो शुभकामना मैं जरूर देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात का जिक्र करना मैं उचित समझूंगा कि जिस विषय पर ये फिल्म बन रही है, ये कचरा जमा करने वाले सारे जो मजदूर हैं उनकी यूनियंस से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी यूनियंस में मैं मदद करता हूँ, उनके प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ। और करीबन महाराष्ट्र के 20 से 25 हज़ार ये कचरा कामगार, कचरा मजदूर मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए इन लोगों की हालत, इन बच्चों की हालत मैं खुद अपने अनुभव से जानता हूँ। और इसलिए जब मुझे शुभांश ने कहा कि मैं इस विषय पर फिल्म बना रहा हूँ, तो मैंने ये उचित समझा कि यहाँ पर आना और इन्हें शुभकामनाएं देना ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी जी, हमसे बात करने के लिए मैं ये जो बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है उसके माँ का रोल कर रही हूँ, जो उसको बहुत सपोर्ट करता है हर तरफ से, तरह के बाधाएँ कि वो पार करने की कोशिश करती है, उसको हेल्प करने की कोशिश करती है। सो ये मेरा रोल है। नहीं, ये फर्स्ट मूवी नहीं है, मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विषय पे हमने कभी बात नहीं किया है और फिल्में तो बहुत कम बनी है। तो अच्छा, कैसे आपको मूवी मिली है, किस तरह से तैयारी की फिल्म के लिए?
अभी अभी मिली है तो अभी तैयारी करूंगी मैं। अच्छा, इस टॉपिक को किस तरह देखिए आजकल बॉलीवुड में, ये कदम बहुत ही अच्छा है और ये बिल्कुल इंडिया को आगे ले जाने वाला कदम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इस समय खास तौर के, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, तो अगर उनको एजुकेट करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा है और हम अपनी फिल्म से ये करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे आपको मौका मिले तो किस जॉनर की फिल्म करें, क्या इसी स्टोरी पे काम करा जाए, कोई भी फिल्म, मुझे सारी फिल्म और सारी थिएटर चीज़ें, आई जस्ट लव डूइंग थिएटर एंड फिल्म, नो स्पेसिफिकेशंस। जी, हमारा एक प्ले है परिंदों की महफिल करके, जो प्ले होने वाला है वो 28th November को खुलेगा। फिर एक और फिल्म है उसका नाम है आओ पहाड़ चलें, वो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम है निखिल रत्न पारखी, और मैं फिल्म में एक कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। अभी कुछ फाइनल नहीं है, अभी आज स्टोरी के बारे में पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर करने वाला हूँ इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो फिदान शुद्ध ज़रूर कुछ सोचा होगा इसके बारे में, तो करेंगे। सब्जेक्ट कैसा लग रहा है आपको? सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह की फिल्में होनी चाहिए जो सोशल मैसेज दे रही हो, एट द सेम टाइम एक एंटरटेनमेंट भी है उसमें, इस तरह के सब्जेक्ट्स बनने चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। जी, बेसिकली ये फिल्म ककहरा मुझे शुभांशु जी ने जब ऑफ़र की तो आई वॉज़ प्रिटी एक्साइटेड, बिकॉज ऐसी तरह के सब्जेक्ट्स अभी आने लग गए हैं, बट इट्स अ वेरी बोल्ड मूव ऑन हिज पार्ट, और जो सब्जेक्ट इन्होंने चुना है विच इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ किड्स, फोकसिंग ऑन एजुकेशन, और एजुकेशन इज़ द प्राइमरी प्रेरोगेटिव ऑफ एवरी स्टूडेंट टुडे, एंड ये बच्चे जो अंडर प्रिविलेज है, जो कचरा चुनते हैं, उन्हें ये मौका कैसे मिलता है, वो जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग तरीके से शुभांशु जी ने प्रस्तुत की है, और इस फिल्म में मुझे जो मौका दिया है विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से मैं ये फिल्म में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और इफ़ इट रीचेज आउट टू द मासेस एंड टचेज द पीपल एंड द अवेयरनेस ऑन चाइल्ड एजुकेशन अगर फोकस हो तो आई थिंक आई विल बी ग्रेटफुल। फिल्म जो सत्या एंटरटेनमेंट की फिल्म है, ये इसका सब्जेक्ट शिक्षा पर आधारित, जो कि हमारे देश को दुनिया में सबसे बड़ी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि शिक्षा आपके पास में होनी ही चाहिए, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति को संभालते हैं, शिक्षा जरूर पूरी कीजिए, तो ये इस विषय पर आधारित है, तो मैं समझता हूँ कि इस फिल्म का स्वागत हर तरह से होगा और ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। आप भी इसमें देख सकते हैं? बिल्कुल, सस्पेंस है ये, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।